हिंदुस्तान के हर घर में यही कहानी चलती आ रही है। किसान अपनी जमीन पे काम करते हैं और फिर वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। ये कहानी है हर गांव की। ऐसी ही एक कहानी हम लाए हैं आप लोगों के बीच। अंत तक जरूर देखिएगा। पवन, तेरे बाप को मैनेजर मार रहा है। मैनेजर के तो चल। वही मैनेजर, तूने मेरे बाप को हाथ कैसे लगाया? पैसा भरने के लिए बोल रहा, तू पैसा क्यों नहीं भर रहा है? अगली बार आऊंगा तो तुझे भी साथ में मारूंगा। क्या मिला आपको इतना लोन लेकर? बहन की शादी की इतना पैसा उड़ाया, सब लोग बोले कि स्वर्णपाल ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। वैसे तो कोई बोला नहीं, लेकिन जब मैंने जब घर पे आया तो सब लोग बोले कि स्वर्णपाल का घमंड उतर गया। फालतू में भड़कता रहता है तू। साले वीडियो बनाने के सिवा मुझे कुछ सोचता नहीं। वो पढ़ाई भी छूट गई और माँ को देखता कि उससे पहले माँ भी चली। साले फालतू की बात करता रहता है तू। कहाँ जा रहा भाई? अरे यार, नौकरी लग रही है दिल्ली में। पापा का बहुत तबीयत खराब है, जल्दी से घर आ जा। आपको क्या हुआ? चलो डॉक्टर के पास। नहीं बेटा, मुझे डॉक्टर की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर दो। ठीक है पा, मैं गर्मा खिला हूँ। बेटा, पा, आपको क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। नहीं बेटा, रुको, मेरी बात सुनो। मैं जो कुछ किया तो मैं तुम लोगों के लिए किया। अब लग रहा है कि मेरा जाने का वक्त आ गया है। मैं समझ रहा हूँ पा, आपको मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। नहीं बेटा, मुझे डॉक्टर की नहीं जरूरत है। लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया बेटा। मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ करना मेरे बेटे। ये ले ले।
क्या लड़कों को रोना शोभा नहीं कहता? अरे जब लड़के जन्म लेते हैं तब भी रोते हुए जन्म लेते हैं, अगर जो नहीं रोता है तो डॉक्टर उसे मार के बुलाते हैं। तो तुम बोल रहे हो लड़कों को रोना शोभा नहीं कहता? अगर तुम रोगे तो दुनिया तुम्हें धुनिया धुनिया नहीं देगी। भाई साहब उसके बाप का देहांत हो गया है, आज की दिन तो छोड़ दो। अबे साढ़े उसके बाप का पैसा तू भरेगा? ए पैसा निकाल। पैसा नहीं है मेरे पास। साढ़े पैसा नहीं है तेरे पास? साढ़े पैसे कब देगा? मैनेजर क्या बेगुस्सा आ रहा है, मारेगा मुझे? मैनेजर बोलना तेरे कितने पैसे हैं? अब आया ना औकात पे, बता तू कैसे देगा पैसा? बोलना क्या बे, गुस्सा दिखाएगा मारेगा मुझे? मार मार